अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही यम्मी सी स्वीट डिश, मैंगो डिलाइट। एक दफ़ा आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो आप इसको बार बार ट्राई करेंगे। ये बहुत ही यम्मी सी और डिलीशियस सी मैंगो डिलाइट बनेगा आज हमारा, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक दफ़ा अगर आप ट्राई करेंगे तो आप इसको बार बार ट्राई करेंगे, इतना यम्मी एंड डिलीशियस बनता है। इसके लिए कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, बस 3-4 से इंग्रेडिएंट्स से ये हमारा मैंगो डिलाइट जो है वो बन जाएगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक मैंगो लिया है बड़े साइज़ का, उसको मैंने पील ऑफ कर लिया है और मैं उसके बारीक बारीक चंक्स काट रही हूँ। और इसको मैंने इतने बड़ी इतने छोटे जग्स भी नहीं काटने, थोड़े नॉर्मल से। और एक और मैंगो मैंने लिया है, उसको मैंने यहाँ पे मैं उसकी प्यूरी बनाऊंगी, उसको मैंने जूसर जग में डाल लिया है और अब मैं इसकी ये प्यूरी बनाऊंगी। इसमें जस्ट आपने मैंगो ही डालना है, इसके अलावा पानी वगैरह कुछ शामिल नहीं करना, जस्ट मैंगो से ये हमारी ये प्यूरी बनेगी। तो ये देख लें जी, हमने इसकी मैंगो की प्यूरी भी बना ली है। 2 मैंगो से ये बन रहा है, एक मैंगो की मैंने यहाँ पे प्यूरी बनाई है और एक मैंगो के मैंने चंक्स काट लिए हैं। तो मैं इसमें बाकी के इंग्रीडियंट्स भी शामिल करूँगी जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए 1 पैकेट क्रीम का और कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क तो जस्ट 2 टेबलस्पून ही इसमें डलेगा, इसलिए मैंने छोटी पैकिंग ली है। और आप लोग ज़्यादा मैंगो का भी बना सकते हैं, इसलिए आप अब इसकी जो तादाद है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक मैंगो की मैंने प्यूरी ली है और हाफ यहाँ पे मैंने मिल्क पैक क्रीम जो है, हमारे पास क्रीम का पैक था, वो मैंने हाफ ले लिया। और इन दोनों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, इतना अच्छे से मिक्स कर लेना है कि ये हमारी क्रीम और मैंगो जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और ये अच्छी सी क्रीमी सी फॉर्म में हमें मिल जाए। आप पूरी मिल्क पैक क्रीम का भी बना सकते हैं और इसके लिए आप मैंगो की तादाद 2 कर दें। और इसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क। आपको जितना मीठा चाहिए होगा आप उतना भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। एक्चुअली मैंगो कुछ खुद भी ज़्यादा बहुत से मीठे आ रहे हैं, इसलिए मुझे कम ही मीठा रिक्वायर्ड था, तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क का इसमें शामिल कर लिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि ये हमारे प्यूरी में अच्छा सा मिक्स हो जाए। और इसके साथ मैंने एक सुपर बिस्किट का पैक लिया है और उसको मैं हैंड से ही बारीक बारीक क्रश कर लूँगी, यानी कि तोड़ लूँगी, उसका पाउडर सा बना लूँगी और इसमें शामिल कर दूँगी। आप इसमें कुछ कोई और भी बिस्किट ले सकते हैं, मैं यहाँ पे सुपर बिस्किट लिए हैं, मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लगे थे, तो मैं इसको इसके अंदर शामिल कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। तो ये रही हमारी मैंगो डिलाइट की फ़ाइनल लुक। अब आप इसको ठंडा करके इंजॉय कीजिएगा और मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।